हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइट डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सूट में स्लीव्स लगाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में अपने स्लीव्स की कटिंग सीखा था कि स्लीव्स की कटिंग हमें कैसे करनी होती है। तो ये फुल स्लीव्स है, तो फुल स्लीव्स की ही हम यहाँ पर सिलाई सीखेंगे, यानी कि हम इसको जोड़ेंगे अपने सूट में किस तरह से जोड़ना होता है। तो जैसे हमने कट किया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें फिटिंग डाल के सिलाई लगा लिया है, तो दोनों स्लीव्स हमने इस तरह से बना लिया है। ठीक है, अब ये है हमारा सूट जिसमें हमें अपनी स्लीव्स लगानी है। तो बाकी हमने पूरा सूट भी तैयार करके रखा है। यहाँ पर अभी हमारी कॉलर लगेगी। ठीक है, अगर आपको कॉलर भी सीखना है तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं आपको किसी नए सूट बनाऊँगी अगर कॉलर वाला, तो फिर आपको वहाँ पर बता दूँगी। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी स्लीव्स कैसे लगानी है वो सीख लेते हैं। तो देखो, जो हमारा हाफ इंच अंदर की साइड हमने कटिंग करते समय जो डाउन किया था ना, उसको ध्यान रखना है। तो दोनों का हमने ऊपर बोला था, हमारा ये फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा, तो इस तरह से ये हमने ऊपर रखना है। और सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो सूट लोगे उसको उल्टा करके लेना है और जो स्लीव्स लोगे उसको सीधी करके लेनी है। यानी कि आपको सूट को उल्टा करके रखना है और स्लीव्स को सीधी लेनी है। अब इस तरह से लेने के बाद जो हमारा हाफ इंच ऊपर की साइड डाउन होता है वो हम ऊपर की साइड को रखेंगे, इस तरह से आप देख सकते हो। और जो सिलाई है वो नीचे की साइड को, सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी रखा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी स्लीव्स किधर साइड की है। तो अब इस तरह से हमें पता चला कि ये स्लीव्स इधर की है और ये स्लीव्स इधर की है। तो ये हमारा ऊपर है तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा, तो ये स्लीव्स इधर की हो गई और ये स्लीव्स इधर की हो गई। अब इतना पता चल गया कि कौन सी स्लीव्स किधर साइड की है। ठीक है, अब ये पता करने के बाद अब हम यहाँ पर एक स्लीव्स इधर वाली हटा देते हैं, पहले हम ये स्लीव्स लगा लेंगे। तो इसके लिए अब हमको क्या करना है, इस स्लीव्स को उठाएंगे और अपने आर्म होल के अंदर ऐसे डाल देंगे अपनी स्लीव्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से हमने अपने आर्म होल के अंदर अपनी स्लीव्स को पूरी डाल दिया है। अब डालने के बाद दोनों की गुलाई हमको बिल्कुल बराबर से नापना है। तो कैसे नापेंगे, देखो इस तरह से मार्जिन जो हमारी फिटिंग है स्लीव्स की और जो हमारी सूट की, ठीक है, तो इस तरह से दोनों को मिलाते हुए ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से गुलाई नापते जाएंगे बिल्कुल बराबर से कपड़े को मिलाते हुए। तो पूरी गुलाई हम यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारी पूरी गुलाई बिल्कुल बराबर है, फिर से हमारी सिलाई पे सिलाई मिलके आ चुकी है। ठीक है, अब इस तरह से बराबर तो है हमारी गुलाई, अब हम यहाँ पर सिलाई कैसे लगाएंगे तो वो भी देखते हैं। तो देखो इसी तरह से पकड़ना है और जैसे हमने अभी गुलाई में आपको कपड़ा दिखाया वैसे ही गुलाई में सिलाई लगानी है हाफ इंच मार्जिन लेते हुए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की सिलाई हमने बिल्कुल मिला लिया है, इस तरह से पकड़ लेना है। अब पकड़ने के बाद यहाँ पर जो हमारा सूट वाला जो हमारा मार्जिन है उसको हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की साइड को ऐसे तीरा बना के फोल्ड करेंगे और इस तरह से हाथ से दबा के रखेंगे। अब इसके बाद जो हमारा स्लीव्स का मार्जिन है इसको हम इस तरह से उसके अपोजिट साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, और ऐसे फोल्ड करने के बाद बस अब हम पूरे ही गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी गोलाई पे सिलाई लगा लिया है, ये हमारी स्लीव्स लग के कम्प्लीट हो गई है। इसको एक बार आपको सीधा करके दिखा देती हूँ पूरा खोल के, ये देखो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स लग के कम्प्लीट हुई है। अब जैसे हमने इधर वाली स्लीव्स लगा के तैयार किया है ना, सेम इसी तरह से अब हम ये वाली स्लीव्स लगा के भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर स्लीव्स लगाया सेम ऐसे ही इधर भी लगा लेंगे। तो अब इधर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे इधर लगाया है सेम वैसे ही इधर भी लगा लेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इधर भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है, अपनी स्लीव्स को जोड़ लिया है। तो दोनों स्लीव्स हमारे यहाँ पर लग के कम्प्लीट हो गई हैं। अब मैं इसको सीधा करके एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने इसको सीधा करके रख लिया है यहाँ पर। इस तरह से देखो कितनी फिनिशिंग के साथ में, कहीं पे भी झोल नहीं आया हुआ है हमारी स्लीव्स में, मतलब कहीं चुन्नट नहीं आई हुई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में लगी है। अगर आप भी ऐसे ही लगाओगे तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपकी भी स्लीव्स लग के तैयार हो जाएगी, देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपने सूट में स्लीव्स लगानी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें मुझे कॉलर लगानी है, इसलिए थोड़ा सा ये अजीब सा दिख रहा होगा गला, क्योंकि कॉलर जब हम लगाते हैं तो इस तरह से ये आधा हमारा गला जो होता है ना, आधा नहीं पलटा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर कॉलर लगाना भी सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।